अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों की प्ले स्टोर में भी कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आपको शो हो रहा है, योर डिवाइस इज नॉट कम्पेटेबल विद दिस वर्जन, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को दो तीन ट्रिक बताऊंगा, उससे आप लोग इस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली सोल्व कर सकोगे। तो सबसे पहले आपको करना कि अपने मोबाइल की वर्जन चेक करना है, आपके मोबाइल के अंदर कौन सा वर्जन है। तो मोबाइल का सेटिंग ओपन करना है, सबसे नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर सिस्टम पे टाइप करना है। सिस्टम पे टाइप करने के बाद अबाउट सेक्शन पे जाना है, और अबाउट सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एंड्रॉयड वर्जन। तो हमारे मोबाइल के अंदर फिलहाल 9 वर्जन है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा दोस्तों कि यहाँ पर गूगल खोलूँगा, और गूगल खोलने के बाद सर्च बार पे आऊँगा और अपने एप्लीकेशन का नाम लिखूँगा जो एप्लीकेशन मैं डाउनलोड करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं 9 वर्जन लिखूँगा, उसके बाद इसे सर्च कर लीजिए। और सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस एप्लीकेशन का जो 9 वर्जन है वो मुझे यहाँ पर मिल चुका है। अब यहाँ पर अगर इस एप्लीकेशन को यहाँ से मैं डाउनलोड करूँगा तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे शो नहीं होगा। तो ये भी एक तरीका है इस प्रॉब्लम को फिक्स करने का। अब दूसरा तरीका कौन सा है दोस्तों, अगर आप लोगों के मोबाइल के अंदर वर्जन 12 है, 11 है, और फिर भी आपको ये प्रॉब्लम शो हो रहा है, तो सिंपली आपको करना कि आपको ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड करना है, आपको गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद इस एप्लीकेशन का नाम डालना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जिन लोगों के मोबाइल के अंदर वर्जन बड़ा है तो यहाँ पर आप लोग वर्जन मत लिखे, डायरेक्ट इस एप्लीकेशन के नाम लिखे, उसके बाद एपीके डाले और यहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। तो यहाँ से अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो कोई भी एरर आपको शो नहीं होगा। सो गाइस, इसी तरह से आप लोग इस प्रॉब्लम को कम्प्लीटली फिक्स कर सकते हो। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो दोस्तों, अगले वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।